बात और, अगर आप कभी फ्रेंड्स वगैरह देखते हो, सीरीज देखते हो, तो फ्रेंड्स में मोनिका जो गेलर है ना, वो रेचल को कहती है वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, जब वो क्रेडिट सारे कार्ड उसके कटवाती है उसके पापा के. सो दैट्स हाउ मेट्रो लाइफ इज, मतलब दैट्स हाउ डेली लाइफ इज, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड वेयर यू हैव टू स्ट्रगल बट यू आर गोना लव इट बिकॉज़ यू आर गोना मेक इट, है ना. आवारा हूं. अनदर वीडियो. हम पहुंच गए हैं दिल्ली, और दिल्ली की सड़कों से आपका रूबरू करा देते हैं. दिल्ली की सड़कें तो नहीं, दिल्ली का मेट्रो कहेंगे इसे, जहाँ हज़ारों करोड़ों लोग अपने रोज़गार के लिए इसका सहारा लेते हैं. सो हम वहाँ पे हैं, और मेट्रो आने वाली है. वैसे तो भी वैशाली कहेगी, बट मुझे ट्रैवल नोएडा के लिए करना है, तो मैं नोएडा वाला लूँगी. सो यार, सो स्टे ट्यून्ड. फेवरेट दिल्ली वालों का दिल है इसमें बसा हुआ, दूरियों को मिटाती हुई मेट्रो. खैर मुझे इसमें नहीं जाना है क्योंकि ये वैशाली के लिए है, तो मैं डायरेक्ट नोएडा वाला लूँगी, तो मैं उसमें जाऊँगी. ये देखो, ऐसी जिंदगियाँ चलती रहती हैं यहाँ पे, और ये खुलता लोगों का. स्वागत मेरा बहुत धूमधाम से हुआ, और मेरी आवाज़ बहुत नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत ही पीछे मेट्रो जा रही है. सो मेट्रो की खासियत है, दिल्ली की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मेट्रो ही है दिल्ली के पास, जो कनेक्टिविटी को जोड़ता है. तो मैं गई थी अभी नोएडा, और नोएडा से मैं वापस आ रही हूँ घर की ओर, निकल रही द्वारिका स्टेशन के पास है मेरा घर, तो वहाँ पहुँचूँगी. पर फिलहाल तो मैं बता दूँ कि जर्नी बहुत ही हेक्टिक थी, बहुत थक गई मैं. दिन भर लग जाता 2 घंटे जाने का, समझो 2 घंटे आने का, क्योंकि मुझे लास्ट परिकटन से मुझे इलेक्ट्रॉनिक वाले में मेरा इंटरव्यू था, तो मैं वहाँ गई. फिर मैं अपने ऑफिस गई, वहाँ कुछ काम था वो करा. सो आज दिन भर मेरा इसी में चला गया. बट फिर अब घर जाएंगे, थोड़ा चिल क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर बातें करेंगे अपने दोस्त से, और फिर सो जाएंगे. तो ऐसे ये दिन तो मेरा मतलब ऐब ही ख़त्म हो गया. बस अच्छी चल रही थी, सुंदर है मेट्रो वाला. मेट्रो की खूबसूरती तो है यार, पर ना आजकल मेट्रो ने काफ़ी अच्छा चीज़ जो करा है वो यूँ करा है कि आपको बताते रहते कि वो कहाँ पहुँच रहे हैं. और दूसरी चीज़ वो आपको हिस्ट्री भी साथ में बताते हैं, दैट मेट्रो इज मेड इन इंडिया. फिर उन्होंने पूरा अपना यू नो टिपिकल बताया. अगर फ्री टाइम में जब स्पेस रहता है दो स्टेशनों के बीच में, तो दे ऑलवेज टेल यू कि कैसे मेट्रो इन्वेंट हुआ, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे इसको बनाया गया. यहाँ पे ये बताते हैं, देखो तो कहनी नहीं कि मेट्रो ये वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है. मतलब मैं जब मैं लास्ट स्टॉपेज से चढ़ी थी, तब तो मतलब बस सांस ही लेने जितनी थी. उसके बाद राजीव चौक पे उतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, फिर अभी भीड़ थी. चलो ठीक है, चल रही है जिंदगी, चलते हैं जिंदगी को चलते रहने देते हैं. मुझे मिल गई है सीट बहुत, अब जबकि मैं बिल्कुल पास आ गई हूँ द्वारिका पे, हूँ मैं पहुँचने वाली हूँ. तो सीट मिल गई, थोड़ा मेट्रो खाली हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं. पहले तो इतनी भीड़ आ गई, अब नोएडा से फुल, मतलब तो फुल ट्रेवल करा है आज मैंने, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ही पहुँचूंगी. बस सेक्टर 21 नहीं जाऊँगी, 9-10 पे उतरूँगी. सो बहुत ज़्यादा ही रश और भीड़ था, बहुत भयंकर वाला. तो 10 से फिर मेरी फ्रेंड के घर का, मतलब मैं अपने दोस्त के घर का हूँ, मतलब मम्मी के दोस्त के घर पर बैठ चुकी, तो मैं मिल जाता है कुछ भी टैक्सी वगैरह, तो आराम से पहुंच जाते हैं, तो ईजी रहता है और कन्वीनियंट. और क्या बताऊँ, ज़िंदगी बहुत हेक्टिक चल रही है. पाँच का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था. फिर उसी दोस्त से बात की जिस दोस्त से बात करी थी, और फिर मैंने जिन टेम्पो वाले के मैं बैठी, उन्होंने मुझे कुछ पूरा घुमा के नोएडा तब तक मुझे मेट्रो तक पहुँचाया. तो आज का टाइम वेस्ट भी हुआ बहुत, पर ठीक है, ज़िंदगी है, कटती रहती है, चलती रहती है, कुछ गलत कुछ सही होता रहेगा. तो बस ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा. दिल्ली की जो ज़िंदगी है ना, उसका वो बिल्कुल ना असलियत वाली ज़िंदगी. जब हम बोलते हैं ना सपनों का शहर मुंबई है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता है, तो मुझे लगता है दिल्ली इज़ द सिटी ऑफ रियलिटी. आप इस शहर से ना रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप हर पल जूझ रहे होगे खुद से, खुद के विचारों से, खुद की नौकरी से, खुद की ज़िंदगी से, मेट्रो में सीट पाने के लिए, मेट्रो में खड़े होने के लिए. सो आई बिलीव दैट्स हाउ लाइफ गोज. स्टे ट्यून, फिर उतरूंगी तो फिर मैं बताती हूँ. वैसे मेरे दोस्त की काफ़ी लंबी डिमांड है कि मेरे लिए ये लेते हैं वो लेते ना, अगर मुझे मिल जाता है, दुकानें खुली रहती है, तो हम उनके बुद्धि वो प्यार से लेके जाएंगे. तो स्टे ट्यून. शाम के वक्त ना मेट्रो में ना आप सबसे रिलेट कर पाते हो, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई तरह का जंग जीत कर कोई काम पूरा कर कर आ रहा होता है, अपने घर को और प्रस्थान कर रहा होता है. तो आप यहाँ पर ना सबसे रिलेट कर पाओगे, कोई कहीं गया होता है, कोई 1 किलोमीटर दूर, कोई 10 स्टेशन दूर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 14 किलोमीटर. तो हर पर्सन की ना अपनी जर्नी होती है, और वो इस मेट्रो के ज़रिए आप मतलब ना सेम ट्रैक है, आपको भी अपने घोंसले में जाना है, उन्हें भी अपने घोंसले में जाना है. दैट आई हैव रियलाइज्ड विद द टाइम, यू नो, सबकी जर्नी अलग होकर भी कितनी एक है, बिकॉज हम एक चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं. राइट, इनफ ऑफ मी, क्या ही दिखाऊँ मैं. मेट्रो अभी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा खाली हो गया है, बिकॉज मतलब एकदम 21 के पास आने वाला है, 14 पार करा है. सो इसलिए
मेरा लुक ऑफ द डे मेरा आपके साथ बता रहे हैं अपने आप देखे खोल जाएगा, हम बोल वो नहीं करेंगे खोल के करें इसको, अरे खोल जाएगा ऐसा फील करते एकदम, देखे कितना शानदार दिखता है दूर से, आओ बढ़िया लगता है। बिल्ली ने भी अब जवाब दे दिया क्योंकि हमारा दिन खत्म हो गया, ये गिर गई है हमारे माथे का श्रृंगार थी अब उतर गई है सुबह, और देखो कितना खूबसूरत लगता है। ये रहा हम उतर रहे हैं अब और पकड़ेंगे रिक्शा, क्योंकि गरीब आदमी नहीं करता है, सबकी गाड़ी से कमा कर आता है आगे जीवन बढ़ाने के लिए कुछ और करते हैं, और दो फोन हम दिखाना नहीं चाहते, हम इस पर गाना सुनते हैं और इसका ये फोन हम खरीदे नहीं हैं, हम इसको खाली वीडियो बनाने के लिए रखते हैं। एग्जिट निकास है, यहाँ से निकास करेंगे और ज़िंदगी को रुख कहीं और मोड़ेंगे, बस ऐसे ही बनाते रहेंगे छोटा मोटा वीडियो, आप लोग देखते रहिए गाना जी। खूबसूरती है यहाँ भाई, दिल्ली है यार हमारा, ई रिक्शा और चल चलेगी अपने घर की ओर। हम करवा रहे हैं पैर, पापड़ी चाट ओनली फॉर माय पहला प्यार, इनकी गोलगप्पे करा रहे हैं तैयार, और बस फिर हम टिकट शॉट पैक करा के लिए जाएंगे घर उनके लिए, सामान पैक, और अब हम जा रहे हैं, जाएंगे फिर वहीं पे रुकेंगे सीधे घर के पास। एक्साइटमेंट गाइस, यहाँ देखो कैसे एक्साइटेड हो तुम, क्या मुझे हक करना चाहती है, आंटी तवा से मारना चाहती है, तवा से मारना चाहती है कि शर्म आ रही है मेरी बच्ची को तंग कर रही हो, लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है, ये पापड़ी चाट है ना, ये